Hello everyone, this is Dr. Farhat Pathan. For the better understanding of the drug, I am going to explain remedies from both Allen's Keynotes and Boger's Synoptic Key. I am going to explain only important points from these books. Today we will study alumina. Alumina is the oxide of aluminium. It is known as the aconite of chronic diseases because it is adapted to persons who suffer from chronic diseases. बोगर सर ने मोडलिटीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है स्पेशली कॉज़ेटिव मोडलिटी एंड जनरल मोडलिटी जो ज़्यादा मार्क्ड है कैरेक्टरिस्टिक है वो कैपिटल में दिए हुए हैं उसके बाद बोल्ड लेटर्स यूज़ किए हैं इसके वजह से हमें वो सिम्टम कितना इम्पोर्टेंट है ये समझ में आता है हर ड्रग को बहुत कम वर्ड्स में सिस्टमेटिकली अरेंज किया है ड्रग के स्टार्टिंग में ही दो कॉलम्स हैं एक में ड्रग का स्पियर ऑफ एक्शन दिया गया है क्योंकि बोगर सर ने ऑर्गन एफिनिटी को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है दूसरे कॉलम में मोडिलिटीज दिए हुए हैं एल्यूमिना का मेन एक्शन स्पाइनल कॉर्ड और रेक्टम पर है एल्यूमिना रेक्टम को रिलैक्स कर देता है उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पेशेंट को तब तक स्टूल पास करने की डिजायर नहीं होती जब तक रेक्टम में बहुत ज़्यादा स्टूल एक्यूमुलेट ना हो जाए यह मेलीलोटस में भी दिखाई देता है एल्यूमिना इन्फेंट ओल्ड एज और प्रेग्नेंट फीमेल्स के कॉन्स्टिपेशन में इंडिकेटेड है स्पेशली जो बच्चे आर्टिफिशियल मिल्क या फार्मूला मिल्क पीते हैं और उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है लाइकोपोडियम और ओपियम की तरह ओल्ड एज कॉन्स्टिपेशन में भी एल्यूमिना इंडिकेटेड है सेपिया की तरह प्रेगनेंसी में होने वाले कॉन्स्टिपेशन के लिए भी एल्यूमिना दे सकते हैं Constipation, no desire for and no ability to pass stool until there is a large accumulation, like melilotus. Great straining must grasp the seat of closet tightly. Stool hard, knotty, like laurel berries, covered with mucus or soft clay, adhering to parts like platina. Inactivity of rectum, even soft stool requires great straining. Similar symptom is present in anacardium, platina, silicia, and Veritrum album. Constipation of nursing children from artificial food, bottle fed babies, of old people like lycopodium and opium, of pregnancy from inactive rectum like sepia. Next important keynote of alumina is Lycoria. Licoria acrid and profuse.

इन बोगर सिनोप्टिक की फर्स्ट लाइन ऑफ एल्यूमिना इज थिन इनएक्टिव इंक्लाइंस टू लाई डाउन पैरेटिक इफेक्ट्स ये लाइन बोल्ड में दी हुई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है नेक्स्ट ड्राइनेस कैपिटल में दिया हुआ है क्योंकि एल्यूमिना जनरली पूरे बॉडी में ड्राइनेस प्रोड्यूस करता है म्यूकस मेम्ब्रेन में आईज थ्रोट रेक्टम एक्सेट्रा ब्रायोनिया में भी ड्राइनेस होता है एल्यूमिना ब्राइनिया की क्रॉनिक रेमेडी है एल्यूमिना म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस प्रोड्यूस करता है या इरिटेबिलिटी और रिलैक्सेशन भी प्रोड्यूस करता है इसीलिए एल्यूमिना के डिस्चार्जेस हाइड्रेस्टिस की तरह स्कैंटी थिक एक्रिड हो सकते हैं या प्रोफ्यूज भी हो सकते हैं जैसे लिकोरिया ड्राइनेस ऑफ म्यूकस सर्फेसेस आइज थ्रोट रेक्टम एक्सेट्रा और इरिटेबिलिटी एंड रिलैक्सेशन स्कैंटी थिक एक्रिड डिस्चार्जेस लाइक हाइड्रेस्टिस म्यूकस डिस्चार्जेस प्रोफ्यूज बिफोर मैंसेस लिकोरिया रन्स टू फिट एक्सपेक्टोरेशन इंड्यूरेशन क्रॉनिसिटी इसके बाद डॉट डॉट की एक लाइन बनी हुई है इसका मतलब यह है कि इस लाइन के पहले जो भी दिया गया है वो रेमेडी का कोर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पूरे ड्रग में हमें ये कोर दिखाई देता है इस लाइन के बाद रेमेडी के मेंटल सिम्टम्स और पर्टिकुलर सिम्टम्स एक ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं आफ्टर दिस डॉटेड लाइन मेंटल सिम्टम्स ऑफ alumina इज गिवन Illusions ऑफ being लार्जर numb, स्मूथ heavy, टाइम पासिंग टू स्लोली etc. इन Allen's keynote, symptom सिम्टम इज टाइम too टू स्लोली एंड आवर a day. अदर रेमेडी इज cannabis indica. इंडिका एल्यूमिना पेशेंट काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है लेकिन एक्चुअल में उससे काम हो नहीं पाता उससे बोलने में लिखने में गलती हो जाती है एल्यूमिना में हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट में कॉन्फिडेंस नहीं रहता वो अपने ही इम्पलसेस से डरता है जैसे छुरी या ब्लड देखने के बाद उसे सुसाइडल इम्पल्स आते हैं हेस्टी बट स्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हेंस मिस्टेक्स इन स्पीकिंग राइटिंग एक्सेट्रा पीविश डिप्रेसिव मेंटल स्टेट्स डिप्रेस्ड ऑन अवेकिंग timorous meaning of timorous is showing or suffering from nervousness or lack of confidence fears his own impulses the sight of knives loss of reason etc bad memory next acting on spinal cord it produces a sensation as of a hot iron thrust through lower spine heavy lower limbs staggering festination मीनिंग ऑफ फेस्टिनेशन इज एन इनवॉलेंट्री इंक्लिनेशन टू हरी इन वॉकिंग एज इन पार्किसन डिजीज मतलब पेशेंट छोटे छोटे स्टेप्स उठाता है और जल्दी जल्दी स्टेप्स उठाता है यह इनवॉलेंट्री मोशन होती है पेशेंट आंखें बंद करके सीधा चल नहीं पाता वो डगमगाता है लोकोमोटार अटैक् टॉर्टर्स इफ आइज आर क्लोज Alumina also acts on skin and produces dryness. Skin is dry, rough, cracked skin, itching, burning, over seat of pain, intolerable itching from heat of bed. Next, we will see its relation to other remedies from Alansky notes. Alumina is complementary to bryonia as well as chronic of bryonia. Alumina is similar to baryta and conium in ailments of old people. Next is aggravation from eating potatoes at new moon and full moon. In bogar synoptiki, important modality of alumina is worse from warmth of room and bed and amelioration while eating like sorinum